19 अक्टूबर को थलपति विजय की फिल्म लियो रिलीज हो रही है। फिल्म की खबरें आने के बाद से ही कहा जाने लगा कि उसकी कहानी एक हॉलीवुड फिल्म से उठाई हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स ने छापा कि लोकेश कनगराज ने हिस्ट्री ऑफ वायलेंस नाम की फिल्म से कहानी चिपकाई है। हालांकि मेकर्स ने किसी भी पॉइंट पर इस बात को कन्फर्म या खारिज नहीं किया था, लेकिन लोकेश कनगराज और एटली जैसे फिल्म मेकर्स के काम पर हॉलीवुड फिल्मों की बहुत गहरी छाप दिखती है, उसके चलते भी खबर ने आग पकड़ ली। इस पूरी बहस के बीच फिल्म से जुड़े शख्स ने सच बता दिया। 123telugu.com नाम की वेबसाइट के मुताबिक लियो के एक्टर आत्मा पैट्रिक ने कंफर्म किया है कि लियो की कहानी अ हिस्ट्री ऑफ वायलेंस से प्रेरित है। उन्होंने बताया कि डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने हॉलीवुड वाली फिल्म के ऑफिशियल राइट्स खरीद लिए हैं। उन्होंने कहा कि भले ही मेकर्स ने फिल्म के राइट्स खरीद लिए हों, लेकिन यहाँ हर सीन 100 गुना बड़ा होने वाला है। क्या है अ हिस्ट्री ऑफ वायलेंस, ये आपको बता देते हैं। ये फिल्म साल 2005 में रिलीज हुई थी। बनाया था डेविड क्रोनेनबर्ग ने। सिनेमा के लिहाज से अहम डायरेक्टर हैं, क्रैश और वीडियोड्रोम जैसी विचलित कर देने वाली फिल्में बना चुके हैं। उनकी पिछली रिलीज क्राइम्स ऑफ द फ्यूचर को 2022 के कैंस फेस्टिवल में स्क्रीन किया गया था, जहां उसे 6 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। हिस्ट्री ऑफ वायलेंस का मुख्य किरदार टॉम नाम का एक शख्स है। छोटे शांत टाउन में अपने परिवार के साथ रहता है, खुद का डाइनर चलाता है, डाइनर यानी छोटा सा रेस्टोरेंट। एक बार वहां 2 गुंडे घुस जाते हैं। हाथापाई में टॉम उन दोनों को मार डालता है। टाउन की प्रेस उसे लोकल हीरो बना देती है। यहीं से उसके पीछे कुछ लोग पड़ जाते हैं, जिनका कहना है कि वो टॉम नहीं बल्कि जोई है। पता चलता है कि अपनी पिछली जिंदगी में जोई एक खूनी था, जो अब पहचान छुपा कर रह रहा था। अ हिस्ट्री ऑफ वायलेंस लाउड फिल्म नहीं थी। किसी के घर के बगीचे में गोलीबारी हो जाती है, लेकिन धम सा म्यूजिक कानों में नहीं पड़ता। लियो बस यही चीज अलग करने वाली है। हॉलीवुड फिल्म कट टू कट चली थी। लियो के ट्रेलर को देखकर लग रहा है कि वहां आगे पीछे की कहानी भी दिखाई जाएगी, जैसे लियो पुरानी जिंदगी से नई जिंदगी में कैसे दाखिल हुआ। यहाँ ओरिजिनल फिल्म से ज्यादा किरदार होने वाले हैं। बता दें कि लियो में थलपति विजय के अलावा त्रिशा कृष्णन, संजय दत्त, अर्जुन सारजा और गौतम वासुदेव मेनन जैसे एक्टर्स ने भी काम किया है। ये जानकारी आपके लिए जुटाई थी मेरे साथी यमन ने। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। शुरू हो गया है YouTube पर ललन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। ललन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है? अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं, उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप YouTube के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा? जाना होगा ललन टॉप के YouTube चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा। फिर सिर्फ 69 रुपए महीने में मिलेगा ललन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।